Hello friends, welcome back to channel. The time currently is 8:08, so it's very late to start a ride. Yes, I know, but you have the same concept as just like last ride. So this time also I'm riding with my wife and daughter. They just boarded the bus. Now I have started the ride. The destination of today's ride is Guhagar. So those are my old subscriber. They must be aware about the Guhagar, as I already done the ride there. I have vlog also on my channel. If you guys want to check out my old vlogs, the link will be in I button now. Distance jyada nahi hai, it's only around 300 kilometers. But the road which I am going to use is Mumbai Goa Highway, which we all know how it is. Full on potholes and very accidental road. So I am wahan pe divider nahi hai. तो देख देख के ओवरटेक करना पड़ेगा. और यही डिस्टेंस अगर NH4 पे होता अराउंड 300 किलोमीटर, तो हम लोग अराउंड ढाई या तीन घंटे में कवर कर लेते इजी. फर्स्ट टोल बूथ ऑफ वाशी. भाई 8 बजे इतना ट्रैफिक. वेयरिंग माय न्यू प्रो बाइकर शूज वेरी फर्स्ट टाइम, तो टाइम लगेगा एडजस्ट होने के लिए. वाइल चेंजिंग द गियर कुछ अलग महसूस हो रहा है. यूज टू हो जाऊंगा तो आदत हो जाएगी. Proud to be an Indian man. एक नंबर. वाओ, जितनी बार भी देखूं मन नहीं भरता यार. सुबह सुबह पानी रोड पे यार. ये न्यू शूज का गियर शिफ्टिंग में बहुत तकलीफ हो रही है. जो गियर लेवल है फुट रेस्ट है, उसके बीच में के गैप में शूज बराबर जाता नहीं है, तो बहुत बार फॉल्स गियर शिफ्टिंग हो रही है. थोड़ा देखना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा. हेलो भाई, हो गया. डोंट नो कब ये कंस्ट्रक्शन. देखा आपने, मैंने ट्राई टू शिफ्ट इट टू गियर, कभी कभी होता नहीं है शिफ्ट. तो चालू हो गया ट्रक का ट्रैफिक. सो दिस इज द JNPT रोड. लॉट्स ऑफ ट्रक्स आर एक्सपेक्टेड. व्हाट आई विल डू, आई विल मीट यू अहेड. क्या ट्रैफिक दिखाऊं आपको, ये सब धूल मिट्टी वाला. बहुत डस्ट है यार, बहुत डस्ट है. यहां से हम लेने वाले हैं राइट. ये राइट स्टेट रोड गोज टुवर्ड्स पुणे लोनावला. क्या कर रहे हैं सर, आओ रॉन्ग वे से आओ. सो ये लग चुका है रोड. यहाँ से हम बाहर निकलेंगे महाड़ की तरफ. रास्ते में हमें लगेगा एक सिमेजिका. इफ यू गाइज वॉन्ट टू विजिट सिमेजिका, तो आप ये रोड ले सकते हो. अगर आप ये रोड लेते हो तो आपके एग्जैक्टली 10 किलोमीटर बढ़ जाते हैं अदर देन मुंबई गोवा हाईवे. बट मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर वर्थ है, टाइम उतना ही लगेगा. रोड अच्छे हैं और इतनी गाड़ियाँ नहीं होगी जितनी मुंबई गोवा हाईवे पे है. यार रास्ते की माँ बहन हो चुकी है. फॉर इमेजिका यार, इस रोड पे भी बहुत सारे स्पीड ब्रेकर डाल दिए यार, पहले ऐसे नहीं थे. और रोड की हालत भी इतनी कुछ खास नहीं है. आई थॉट कुछ अच्छा किलोमीटर कवर करेंगे, मगर ऐसा हो नहीं रहा है. देखिए रोड की हालत देखिए, बड़े बड़े पॉट होल्स. और अरे अरे क्या है ये रोड. और जब से टैंक स्लैप हुआ है तब से बहुत डर लगता है RR 310 को पॉट होल्स में से या बैड रोड में से चलाने को.
पता नहीं वापस फिर से फोर क्लिक हो जाए। ओह फाइनली बैक ऑन गुड रोड्स। गाइस प्लीज अवॉइड दिस रोड, प्लीज अवॉइड। लास्ट के 15 या 20 किलोमीटर इतने गंदे कि रोड ही नहीं था, सिर्फ खड्डी रेत, खड्डा रेत, ऐसा रोड था यार। गाड़ी को फर्स्ट सेकंड में चला के फ्रस्ट्रेट हो गया। गाइस क्या ब्यूटीफुल रोड है, फुल ऑन जंगल, एक जगह पे पूरा माउंटेन्स, यहाँ पे अभी एक रिवर थी चली गई। ऐसा कुछ रोड हो ना यार, बहुत मजा आता है। लुक एट द रोड गाइस, ऑसम। एंड हियर वी आर कनेक्टिंग टू मुंबई गोवा हाईवे, दिस इज द मुंबई गोवा हाईवे, सो वी आर गोइंग टू टेक लेफ्ट फ्रॉम हियर, हियर वी गो। अरे भाई जल्दी जल्दी कंप्लीट करो ये वर्क, कितने सालों तक और रखोगे यार, क्या ये हमारे हॉर्न को कुछ हो गया लगता है, हॉर्न अच्छी तरह से नहीं बज रहा है, चेक करना पड़ेगा। बिकॉज आई हैव इंस्टॉल दैट ड्यूल हॉर्न एंड लो टोन है वो जिक्सर के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी, उसी के साथ का जो हाई टोन था वो निकाल के इसके अंदर डाल दिया, बोला थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होए, बट आई थिंक समथिंग रॉन्ग विद इट, इट्स नॉट वर्किंग नाउ, बज रहा है और बीच में साउंड छोड़ रहा है, और हाईवे पे तो हॉर्न चाहिए यार। देखा कैसे रहते हैं, गर्मी इतनी लग नहीं रही है, लेटली 11 बज चुके हैं। करंटली आई एम एट मानगांव विलेज, बहुत सारी गाड़ियां हैं, पुलिस वाले भी है, ट्रैफिक। सो आई हैव रीच्ड द पोलादपुर विलेज, जिस वहां से एग्जिट जाता है एक टुवर्ड्स दापुलिया एंड ऑल, एंड आगे ये रोड स्टेट जाएगा कशीदी घाट के बाद चिपून, और उसके बाद राइट लेना है वहाँ से 42 किलोमीटर तक गोवा गर। इट्स 11:30 तक एक प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे, दैट्स व्हाई थॉट टेक अ ब्रेक एंड गेट इट रेक्टिफाइड। जैसे आपको पता है थोड़े राइड करने के बाद क्लच लूज होने लगता है, तो उसकी वजह से जो अपशिफ्ट है 4/5 जब मैं स्पीड ओवरटेक कर रहा हूँ तो बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझको, तभी क्या करना पड़ेगा क्लच का प्ले प्रॉपर एडजस्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए लगेगा मुझे स्क्रू ड्राइवर, बिकॉज मैंने यहाँ पे उसको बहुत टाइट किया कि घड़ी घड़ी लूज हो जाता है, तो उसके लिए ये बैग रिमूव करना पड़ेगा और स्क्रू ड्राइवर निकालना पड़ेगा। A few moments later. So finally tight कर दिया क्लच को, अभी देखते हैं उसका परफॉर्मेंस कैसा है। क्या यार TVS कुछ करो इस चीज़ का यार, सेम चीज़ एक्सपीरियंस की थी मैंने नेटिव प्लेस वाली राइड पे भी, 200-300 किलोमीटर चलाने के बाद लूज़ हो जाता है हाईवे के ऊपर। यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम क्या था कि जब मैं ओवरटेक कर रहा हूँ सामने वाली गाड़ी को देख के, डाउन शिफ्ट परफेक्ट हो रहा है, मैं रफ शिफ्ट करते हुए बहुत तकलीफ आ रही थी यार, गियर नहीं जा रहा था, मर जाऊँगा मैं, सामने से गाड़ी आ रही थी यार डायरेक्टली। कोई नहीं चलो, सो लेट्स कंटिन्यू द राइड। घर से अभी तक किलोमीटर क्लॉक हुए 169 किलोमीटर और टाइम इज 11:37। चलो लेट्स कंटिन्यू, गुड। सेकेंड शिफ्ट तो परफेक्ट हुआ, ओ अभी थोड़ा गियर शिफ्टिंग परफेक्ट लग रही है, फाइन गुड। चलो आप लोगों को ये ओवरटेक दिखा देता हूँ। यस सामने गाड़ी नहीं है, सेफ ओवरटेक, परफेक्ट गियर शिफ्टिंग हो रही है अभी, तो ऐसी चीज़ें हमें खुद कर लेनी। ओह आई थॉट देयर इज अ स्पीड ब्रेकर बिकॉज देयर इज अ साइन, ये जो बता रहा था। देखिए गाइस ऐसी क्लच एडजस्टमेंट आप देख लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए उस चीज़ को कैसे करते हैं।
जब इनकेस आप हाईवे पे राइड कर रहे हो और ऐसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपको खुद को आना चाहिए ये सब चीज़ एडजस्ट करने को, इट्स ऑलवेज बेटर। पणजी 445, पणजी नहीं जाना है भाई, जाके आए हम क्यों भाई लोग? हमारे पुराने सब्सक्राइबर को तो पता ही होगा, अगर आप लोगों ने स्टिल मेरा पणजी का व्लॉग्स नहीं देखे तो अभी आया बटन में आ गया रहेगा, चेकआउट कर लीजिए। सो रीच महाड़ विलेज। प्रॉब्लम है कि हम हो गए बहुत लेट इस राइड के लिए, इट्स ऑलरेडी 11:51, 12 बजने को आ गए। मैं ट्राई कर रहा हूँ कल से ज़्यादा कम हॉल्ट लूँ मैं, बिकॉज आप देख सकते हो अभी तक मैंने वीडियो में फेस व्लॉग किया नहीं अभी तक, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा है रुक के फेस व्लॉग करूँ, बिकॉज आई नो लेट हो चुका हूँ और जितना रोड अच्छा मिल रहा है खाली उतना जल्दी से जल्दी कवर कर लूँ। सो रिच फुलादपुर, दिस रोड गोज टू महाबलेश्वर, दिस वन गोज टू कशेदी। ओ माय, इट फील्स टू गुड टू बैक ऑन कशेदी घाट। गाइस, इस घाट की खासियत बता देता हूँ आपको, ये घाट तीन माउंटेन में जुड़ा हुआ है, एक माउंटेन के ऊपर एक क्लाइंब होता जाता है, दूसरे माउंटेन के ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ घूमता है और थर्ड माउंटेन में नीचे उतरने को स्टार्ट हो जाता है। इसकी लेंथ अराउंड अप्रोक्सीमेटली 17-16 किलोमीटर होगा। तो दोस्तों, माई ऑल टाइम फेवरेट घाट आफ्टर अम्बोली घाट, बाइकर्स के लिए जैसे ये पैराडाइज है फॉर लीन ट्विस्टी टर्न्स। ओहो, जैसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत केयरफुली राइड कीजिए बस। I think we have reached center of this ghat. Let me take snap for Insta. If you guys not following on me Insta, then you are missing lot. Let's check it out the beauty. Jungle. So friends, reached in exactly center of this beautiful Kashedi ghat. The time currently is 12:15 to 12:30. So Guwahati is showing me 102 kilometers. Vilneshwar is 108. Hedvi, that is 113, and Parshuram, that is Parshuram Ghat. There will be the next Ghat after this Kashedi, which is Parshuram Ghat. It is exactly 48 kilometers. There is a beautiful temple in that Ghat. If you guys haven't checked out, I will drop the link of that video here. Maine cover kar liya hai mandir ke andar bhi recording ke liye, which is not allowed. Phir bhi aap log ke liye the link is in I button now. Abhi kya karenge? Thodi rest lenge, snacks, pani break. And there is a shop, so I will go there and check out for the cold drink if they have. Because last 2 days se fever tha, bahut cold feel ho raha tha, fir bhi office ja raha tha. Because all energy thi is ride ke liye, jo maine plan ki thi 2-3 mahine pehle se, magar ho nahi pa rahi thi because all my rider friends at last moment they have back out. So kya kare, ride to mujhe karni thi because 2 saal pehle ki thi. और आई नो हाउ ब्यूटिफुल कोकन इज़, सो आई जस्ट थॉट कुछ भी हो कर लेते हैं। सो वाइफ से बात कर ली, वाइफ बोली ओके हम भी ज्वाइन कर लेते हैं। सो आई से नो इशूज़, वीकेंड है, हॉलीडेज टाइम है, सो वी कैन गो। सो उनको बस में बिठा दिया, उनकी बस बहुत दूर है, बहुत ट्रैफिक है, मगर आपने तो देख लिया हम कैसे कट मार कर के आ रहे हैं और राइड कंटिन्यू करते हैं। सी यू अहेड। सो नाउ इट्स टाइम टू गेट डाउन दिस ब्यूटिफुल कशेदी घाट। सो जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, अब हम इस माउंटेन के बीच में, दिस इज सेकंड माउंटेन, और हम वहाँ ये रोड ऐसे ही जाके वहाँ से जाके हम लोग वहाँ से उतर जाएंगे। फाइनली गाइस, कशेदी घाट फिनिश, अराउंड 17-16 किलोमीटर लॉन्ग घाट। गो माता, कहाँ जा रही है? चलिए छोड़ देता हूँ आपको। ओल्ड ब्रिज, न्यू ब्रिज। गाइस, से चिपलून के पहले के 30-40 किलोमीटर बहुत ख़राब है यार, पहले नज़ारा देख लो।
वाह, रोड बहुत गंदे है। काम चालू है जोर शोरों से, सीमेंट रोड बन रहा है, पर ये देखिए रोड यार, मेरा फ्रंट फोर्क लीक ना करे, वही डर लगता है यार। जिक्सर रहती थी, कुछ टेंशन नहीं आता था। सो फिलिंग अप द पेट्रोल, इट्स 82.16। सो इन 600 रुपीज, 7.30। तो 7 लीटर्स में कितना किलोमीटर हुआ है चेक कर लेता हूँ मैं, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना एवरेज मिलता है। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी 257 किलोमीटर आई हैव राइड फ्रॉम, सो दैट मीन इन 7 लीटर्स आई राइड अ बाइक टू अराउंड 257 किलोमीटर्स। सो यू कैन कैलकुलेट द माइलेज नाउ। चलो लेट्स कंटिन्यू द जर्नी। गर्मी बहुत है यार, बहुत गर्मी लग रही है। चिपलून इज 20। सो दिस इज स्मॉल परशुराम घाट बिफोर चिपलून। सो नाउ आई हैव टेकन गुहागर रोड फ्रॉम बॉम्बे गोवा हाईवे चिपलून। टाइम इज 2:09 हुआ है। अरे खड्डा क्या ये, वाह ब्यूटीफुल रिवर यार, क्या यार शिट, ये तो अंदर का रोड है, इसकी तो और हालत खराब है यहाँ पे। अदर देन बाइंग स्पोर्ट्स बाइक हैव टू बाइक एडवेंचर वन। वैसे भी इन माय लिस्ट माय नेक्स्ट बाइक विल बी एडवेंचर ओनली। सो फ्रेंड्स, गुहागर इज 1 किलोमीटर अहेड एंड टाइम इज 3:21। आई थॉट 4:30 हो जाएंगे, और बहुत कम ब्रेक लेके 3:30 के पहले हम पहुंच गए गुहागर में। नॉट बैड, दिस इज द गुहागर डेपो। वापस मुझे यहाँ पे आना है टू पिकअप डॉटर एंड वाइफ वेड़ेश्वर मंदिर। उसके अंदर का पूरा मैं दिखाया था एक व्लॉग में, पर आपको वेड़ेश्वर मंदिर देखना है तो आई बटन में लिंक है, आप देख लीजिए। होटल द आई एम रिसाइडिंग इज द सेम वन विच आई रिसाइड लास्ट टाइम, द दुर्गा पॉल निवास। आई लाइक द होटल, वेरी गुड फैमिली टाइप एटमोसफेयर रहता है, खाना भी अच्छा रहता है, बट फॉर फूड आई मोर प्रेफर होटल अन्नपूर्णा। बेस्ट है द टिकट फूड सर्व करते हैं, वो कोकनीज फूड। एंड हियर इट इज दुर्गा पॉल निवास। जस्ट रियलाइज यस्टरडे वीडियो एंड ही नहीं किया था, बिकॉज जलान ऐसे थे जैसे वाइफ एंड डॉटर आ जाते हैं वो अगर बीच पे ऊपर जाके इन्जॉय करें, और वहाँ पे सनसेट की वीडियो टाइम लैप्स दिखाऊंगा आपको। और प्रॉब्लम ये हुआ कि बिकॉज ऑफ बैड रोड उनकी गाड़ी बहुत लेट हो गई, अराउंड 6:30 तब तक तो सनसेट हो चुका था। सो कुछ नहीं, आज इन्जॉय करेंगे, करेंगे। आई एम हियर फॉर नेक्स्ट 2 डेज, इन्जॉयमेंट होती रहेगी। दैट्स इट इन दिस वीडियो। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, share with your friend, and ha, if you have subscribed to my channel then please request you do subscribe. So this is Sagar signing off, bye bye.